गोत्र जनेयु ब्राह्मण चंडीपात हिंदू और मुस्लिम। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हर उस चीज का जिक्र होने लगा है जिसकी शायद कमी रह गई थी। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, आपके साथ में अलीशा। बंगाल की चुनावी लड़ाई अब गोत्र पर आ गई है। इसकी शुरुआत की है खुद सीएम ममता बनर्जी ने। नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक मंदिर गई थी जहां पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था। ममता ने आगे कहा कि मैंने अपना गोत्र माँ माटी मनुष्य बताया था, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र शांडल्य है। ममता के गोत्र वाले इस बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने ममता पर करारा हमला बोला। गिरिराज ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। ममता के गोत्र विवाद पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हुई। ओवैसी ने कहा कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडल्य है और ना ही जनेयुधारी। दरअसल ममता बनर्जी अब की बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला उनके ही पुराने सहयोगी और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से है। आज दूसरे चरण के तहत नंदीग्राम में वोटिंग हो रही है। चुनाव जीतने के लिए ममता ने पूरी ताकत लगा दी है, न सिर्फ गोत्र बल्कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कई मंदिरों में दर्शन के साथ ही चंडी पाठ करते भी नजर आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में नंदीग्राम सीट पर हाई वोल्टेज वोटिंग चल रही है। इस सीट पर 1 अप्रैल को यानी आज होने वाले चुनाव में राज्य के दो दिग्गज नेता आमने सामने खड़े हैं। दूसरे फेज में मतदान के लिए चुनावी कैंपेन की आखिरी दिन ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा था कि उनका गोत्र शांडल्य है, लेकिन उन्होंने कई जगह माँ माटी मनुष्य बताया है। ये मुझे उसकी याद दिलाता है जब मैं त्रिपुरा में त्रिपेश्वरी मंदिर गई थी और वहां पर पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था। उस दौरान भी मैंने माँ माटी मानुष ही बताया था, वास्तव में मेरा गोत्र शांडल्य है। चुनावी रण में ममता के गोत्र बताते ही बीजेपी ने तुरंत लपकते हुए इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिंग्या को बसाने वाले अब खौफ से गोत्र पोतर आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का हारना तय है। ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो गोत्र लिखता हूं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पे ही निशाना साध लिया था और कहा कि जो जनेयुधारी नहीं है उनका क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लिखा, जो लोग शांडल्य या जनेयुधारी नहीं है, किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते उनका क्या। हैदराबाद सांसद ने आगे लिखा कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है, ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है और सफल होने वाला नहीं है। असल में बंगाल की चुनावी रण में अक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी कहकर निशाने पर लिया जाता है। यही कारण है कि इस बीच ममता बनर्जी का अलग अंदाज सामने आया है। पहले भी ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मन से ही चंडी पाठ करती हुई नजर आई हैं। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी पर अक्सर जय श्री राम के नारे का विरोधी बताया गया है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिकंटाप। हमारे चैनल दिकंटाप को फेसबुक, यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।